हेलो स्टूडेंट्स ओ टू आई एस अकेडमी में आपका स्वागत है मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं फिज़िक्स साइंस एक्शन प्लान में मैंने आपको बताया था कि हम फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर करेंगे तो फिज़िक्स के तीन लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिसने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और मैंने उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन पार्ट्स कवर किया है वो डायरेक्टली आपके पेपर में आने की बहुत बहुत संभावना होती है ठीक है तो आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर फोर जिसमें हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी हीट मैग्नेटिज्म और हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब के क्या नेचर होता है ठीक थोड़ा -थोड़ा हो। तो अपना जिसने भी O2IS Academy की आप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जाके डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि जो भी हम यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं उनकी पीडीएफ आपको ओटूआई की ऐप पर ही अवेलेबल है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है देखो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के चार्ज हो सकते हैं एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज एक हो सकता है नेगेटिव चार्ज अगर एक बॉडी उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है थीके? उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसने अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए उसने क्या किया उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी ठीक है मैंने क्या बोला मान लो एक हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो बाहर उसकी शेल होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये क्या बन जाएगा एच पॉजिटिव ठीक है अगर इसके शेल uh, के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो ये बन जाएगा एच नेगेटिव दैट मीन्स जो नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर सफिशियंट अमाउंट या फिर आप ऐसे कह सकते हो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है दूसरी बात जो भी अनलाइक चार्जेस हैं अनलाइक चार्जेस का मतलब है वो चार्जेस सेम नहीं है दैट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है अनलाइक चार्जेस हमेशा अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन जो लाइक चार्जेस हैं जैसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के

अगर चार्ज की बात करें तो जो चार्ज है उसका सिंबल जो होता है वो होता है क्यू

हर एक इलेक्ट्रॉन पे मान लो चाहे ये हाइड्रोजन के आसपास कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर ये सोडियम का कोई इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो कितना होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्टूपार माइनस नाइनटीन कूलम ठीक है अगर मैंने किसी बॉडी के ऊपर चार्ज निकालना है और उस बॉडी के ऊपर टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है उसके ऊपर टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस बॉडी के ऊपर मैं चार्ज निकाल सकती हूँ वो मैं कैसे निकालूंगी मेरा Q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू ई e. मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स है तो n का नंबर हो गया चार इंटू इलेक्ट्रॉन की चार्ज मुझे पता है कि कितना होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पार माइनस नाइनटीन कुलम तो यहां से मैं किसी भी बॉडी के ऊपर उसका चार्ज निकाल सकती हूँ ठीक है ओके okay. नेक्स्ट बात करते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं मान लो ये एक बॉडी है ठीक है इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं ठीक है थीके? कोई भी बॉडी है वो एटम से ही बनी होती है हमें पता है है ना इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं एटम्स हैं उन एटम्स के अंदर कुछ चार्जेस हैं अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दू मतलब यहां से अगर मैं इसको करंट देना शुरू कर दूं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं ठीक है पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं तो वो बॉडी अपने थ्रू करंट पास करने देती है तो उनको हम कहते हैं कि वो होते हैं कंडक्टर्स फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया एल्यूमिनियम हो गया लिखा हुआ है जैसे सिल्वर हो गया आपका गोल्ड हो गया पानी के थ्रू भी जो करंट है वो पास कर जाता है नेक्स्ट इज कॉपर वायर ठीक है अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की तो अगर कोई भी बॉडी अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक करंट दूं ठीक है और उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक करंट आया है कोई नहीं आया ठीक है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स अलाइन नहीं हो रहे हैं दैट ये एक ऐसी बॉडी है जो अपने थ्रू करंट को पास होने नहीं देगी तो उन बॉडी को हम बोलते हैं कि ये इंसुलेटर्स हैं इसका क्या एग्जाम्पल है जैसे आपका ग्लास हो गया प्लास्टिक हो गया तो ये सारी चीजें अपने थ्रू करंट को पास नहीं करने देती तो इसीलिए हम इनको कहते हैं ये क्या है इंसुलेटर्स तो आपने आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कंडक्टर्स क्या है और इंसुलेटर्स क्या है कंडक्टर जब भी हम एक किसी चीज में एक सर्किट के अंदर लगाएंगे तो हमेशा उसमें करंट पास होगा और अगर मैंने यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया तो वो बल्ब ग्लो होने लग जाएगा लेकिन अगर मैं इंसुलेटर लगा दू एक सर्किट के अंदर और उसको करंट पास करने दू तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा क्योंकि इसका पूरा सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ इसने अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास ही नहीं होने दिया ठीक है ओके okay. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दो टाइप की होती है एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक का मतलब होता है जो मोशन में, में नहीं है फॉर एग्जांपल एक स्केल एक है उसको आप छोटे होते आप उस स्केल को बालों पर रब करते थे है ना उस पर रब करते थे तो उससे क्या होता था वो एक तरह से चार्ज गेन कर लेता था है एक तरह से क्या करता था चार्ज गेन कर लेता था मतलब अगर कोई बॉडी सिर्फ लूज और गेन कर रही है चार्जेस चार्जेस को तो उस टाइम पे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है ठीक है दैट मीनस इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है लेकिन अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात बात करूं तो करंट का मतलब ही क्या होता है करंट का मतलब है, है कोई चीज मोशन में है ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट है उसमें मैंने एक बल्ब लगा दिया और यहां पे मैंने इसको करंट पास करना शुरू कर दिया ठीक है तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव कर रहे हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हैं, तो उसको मैं बोलूंगी कि ये क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है स्टैटिक uh, इलेक्ट्रिसिटी का आप एग्जांपल्स भी देख सकते हो जैसे मैंने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क पेपर से तो दोनों के अंदर किसी में इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे किसी में गेन हो जाएंगे उसकी वजह से चार्ज डेवलप हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी हम वायर्स वगैरह यूज करते हैं उन वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि वो मूव करते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कि ओपन और क्लोज सर्किट में क्या डिफरेंस होता है फॉर एग्जाम्पल सर्किट का मतलब क्या होता है सर्किट का मतलब होता है कि कई चीजें जो मैंने एक दूसरे के साथ अटैच कर दी हैं, एक दूसरे से जोड़ दी हैं, एक दूसरे से मैंने उनको कनेक्ट कर दिया ठीक है इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू होंगे वैसे आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी हमारी करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव ठीक है लेकिन जो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा करंट की ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपका करंट इस डायरेक्शन में ट्रेवल है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं ठीक है तो जो ओपन सर्किट है उसमें क्या होगा कि अगर मैंने कोई भी कनेक्शन बीच में से तोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कनेक्शन तोड़ दिया यहां से मैंने स्विच हटा दिया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हो पाएंगे दैट मींस इसका कनेक्शन टूट गया ऐसे कनेक्शन को मैं बोलती हूँ कि ये एक ओपन सर्किट है ठीक है लेकिन अगर आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है टोटल सारी वायर्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रही है तो उस टाइम पे मैं बोलती हूँ कि ये एक क्लोज सर्किट है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट भी मैं इसको बोल सकती हूँ ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में देखो जब हमने मोशन वाला चैप्टर किया था ग्रेविटेशन वाला चैप्टर किया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी में के ऊपर अगर किसी बॉडी के ऊपर मैं काम करूं ठीक है और उस बॉडी वो बॉडी मोशन में ना आए मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर एक बॉडी के ऊपर मैंने कोई डन किया और वो बॉडी मोशन में नहीं आई तो उस टाइम पे जो भी मैंने उसके ऊपर वर्क डन किया वो सारा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल जो एक टॉय कार होती है उसकी जो चाबी होती है बच्चों की जो टॉय कार होती है उसको हम चाबी को घुमाते हैं ना उस चाबी को जब मैंने घुमाया और वो कार आगे मूव नहीं करी दैट मीनस उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी के वे में स्टोर हुई है ठीक है अगर वही मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसमें मैं ये चीज लेती हूं कि मान लो ये एक चार्ज है कोई ठीक है इस चार्ज के आसपास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिल्कुल होगी ये एक दूसरा चार्ज है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है इसके आसपास भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ठीक है अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर काम करूं कि मैं इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे ले आऊं तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मींस वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट ठीक है इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओके बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है पोटेंशियल uh, डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क डन किया ताकि उसको दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ला सकूँ लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पे दो पॉइंट्स होते हैं मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी इस ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी बी का पोटेंशियल ठीक है जो भी मैं वर्क डन करूंगी किसी चीज को ए से बी जगह पे मूव करने के लिए दैट मींस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल दैट मींस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक उसको मूव करने में जो भी मैं वर्क डन करूंगी उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एग्जांपल ये आपका एक पोजीशन है जिसमें आपकी जीरो वोल्ट को मैं देख सकती हूँ ठीक है और यहां पे है आपका 8 वोल्ट अगर मैंने कोई भी चीज 8 वोल्ट से लेके प्लस फाइव वोल्ट तक मूव करी दैट करीट हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल पे मैंने किसी चीज को मूव किया तो उस टाइम पे वो जो जो भी काम उस पर उसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वे में डिनोट करती हूँ ऐसे ही अगर मैंने सिक्स वोल्ट पोटेंशियल से मैं माइनस टू वोल्ट पोटेंशियल पे गई तो उसको भी मैं इस वे से मेजर कर सकती हूँ इन द सेम वे प्लस थ्री पोटेंशियल से माइनस थ्री पोटेंशियल पे गई ठीक है ऐसे मैं इसको मेजर कर सकती हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वेन वी नीड टू मूव द चार्ज बिटवीन टू स्पेसिफाइड दो स्पेसिफाइड पॉइंट है आपके ए और बी द वर्क डन इन डूइंग सो इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक तरह का वर्क डन ही है ठीक है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज ठीक है इस चार्ज को मैंने एक जगह से दूसरी जगह लाने के अंदर कितना काम किया जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं डिनोट करती हूं वोल्ट की यूनिट्स में ठीक है अगर मैं यहां पे एक वोल्ट को डिफाइन करना चाहूं तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना तो वर्क को हम जूल्स में लेते हैं ठीक है और चार्ज को हम कूलम में लेते हैं तो अगर मैंने एक वोल्ट को डिफाइन करना है तो मैं ये कह सकती हूं कि एक जूल काम किया क्या करने में एक चार्ज एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जो भी मैंने काम किया ठीक है उसको मैं बोलती हूं वन वोल्ट ठीक है अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा हम डिवाइस यूज करते हैं वो यूज करते हैं वोल्ट मीटर ठीक है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाए पेपर में आ जाएगा कि आप जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस डिवाइस से मेजर करते हैं आपको चार ऑप्शन दिए होंगे एमीटर होता है वोल्ट मीटर होता है गेलवेनो होता है या रियो होता है मतलब ऐसे करके कोई भी ऑप्शंस आपको आ जाएंगे तो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ठीक है जो भी आपका वोल्ट मीटर होता है वो एक सर्किट के अंदर पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है अब पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया ठीक है ये मैंने बनाई बैटरी और ये आपका हो गया बल्ब बल्ब को हम इस साइन से डिनोट करते हैं इसलिए मैं बार बार यही वाला साइन यूज करूंगी बैटरी के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं तो आप देख सकते हो ठीक है और ये बन गया आपका सर्किट अगर मैंने इस सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है तो मैं पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करूंगी कैसे मैं यहां से एक और वायर कनेक्ट कर दूंगी ठीक है और यहां पे मेरा लग जाएगा वोल्ट मीटर और इस वायर को मैंने दोबारा से इस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया दैट मींस जो वोल्ट मीटर है वो इसके इस कनेक्शन के अंदर पैरेलल कनेक्शन में जुड़ गया वो पैरेलल कनेक्शन में क्यों जुड़ता है क्योंकि इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस का मतलब एक वायर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने नहीं दे रही है ठीक है अगर इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई है तो दैट मींस अगर मैंने इसको सीरीज में जोड़ दिया मतलब इसी वायर के बीच में जोड़ दिया तो ये अपने थ्रू करंट को पास नहीं करने देगी तो ये बल्ब ग्लो कैसे करेगा फिर ठीक है तो इसीलिए हम वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की ठीक है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम I से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी इसका मतलब रेट ऑफ फ्ले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये जो मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज है मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में बिल्कुल फ्लो कर रहे हैं ठीक है तो ये कितने टाइम में फ्लो करे ठीक है इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में फ्लो करे उसको मैं मेजर कर सकती हूं इलेक्ट्रिक करंट के वे में ठीक है ऑफ कोर्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के थ्रू ही पास करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर ठीक है अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बात करूं तो हम इसकी यूनिट एम्पेयर में लिखते हैं एम्पेयर एक ऐसा SI यूनिट है और आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताओ करंट की क्या यूनिट होती है ठीक है अगर मैं एक एम्पेयर को डिफाइन करना चाहूं तो मैं ये कह सकती हूं कि एक सेकंड में अगर एक कूलम चार्ज ने मूव किया तो उसका मतलब है कि एक एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ठीक है करंट इज वेन वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर इन वन सेकेंड ठीक है ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए मैं कौन सा डिवाइस यूज करती हूँ एमीटर यूज करती हूं और जो एमीटर है वो हमेशा एक सीरीज कनेक्शन में लगता है मान लो ये एक सर्किट है जिसमें ये बल्ब है ये बैटरी है अगर मैंने इस कनेक्शन में एमिटर लगाना है ठीक है तो मैं कहाँ पे लगाऊंगी इस वायर के साथ ही लगाऊंगी ठीक है एमिटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं इस वायर के साथ ही लगाऊंगी दैट मीन्स मैं यहां से कोई और वायर अलग से नहीं लेके जाऊंगी जैसे मैं वोल्ट मीट, वोल्ट मीटर में करती होती थी ठीक है तो मैंने इस एमीटर को सीरीज में लगा दिया हम एमीटर को सीरीज में इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसका लो रेजिस्टेंस होता है दैट मींस ये एमीटर अपने थ्रू जितना भी करंट है ज्यादा से ज्यादा करंट अपने थ्रू पास होने देता है तो आई होप आपको यहां तक पता चल गया होगा कि वोल्ट मीटर क्या होता है एमीटर क्या होता है वन एम्पेयर क्या होता है वन वोल्ट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ठीक है तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका ओम्स लॉ ओम एक साइंटिस्ट थे उन्होंने करंट और वोल्टेज के अंदर डिफरेंस पता किया उन्होंने बोला कि मान लो आपका कोई टेम्परेचर है थर्टी डिग्री सेल्सियस मान लो मैं कोई एक कॉन्स्टेंट ले, टेम्परेचर ले लेती हूँ ठीक है उस टाइम पे जैसे ही उन्होंने करंट इंक्रीज करना शुरू किया दैट मीन्स एक सर्किट था ठीक है एक सर्किट था ये बैटरी है इस सर्किट के अंदर जैसे जैसे इन्होंने करंट इंक्रीज करना शुरू किया वैसे वैसे जो आपकी वोल्टेज है वो भी इंक्रीज होनी शुरू हुई दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V पोटेंशियल डिफरेंस है और I क्या है करंट ठीक है अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगी तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं V इज इक्वल्स टू आई आर ठीक है आप इसको वीर के वे में भी याद कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला इसका ना याद रहे थो. तो अकॉर्डिंग टू इट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने आपको यहां पे बताया कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ठीक है नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है ठीक है इस सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है अगर मान लो मैं यहां पर एक कोई ऐसा डिवाइस जोड़ दूं ठीक है जो अपने थ्रू करंट को पास ना होने दे या फिर अपने थ्रू करंट को कम पास होने दे तो मैं बोलूंगी कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इस वजह से ये कम इलेक्ट्रॉन्स को यहां से जाने दे रहा है ठीक है अफकोर्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे ये मैंने आपको पहले भी बता दिया दूसरी बात हम रेजिस्टेंस को एक और वे में देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई कंडक्टर था उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे ठीक है उसके अंदर क्या थे इलेक्ट्रॉन्स थे इस कंडक्टर को मैंने बैटरी के साथ जोड़ दिया कंडक्टर है दैट उसके इलेक्ट्रॉन्स अलाइन होंगे ठीक है और वो अपने थ्रू करंट को पास होने देगा ठीक है अगर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करने लग जाए कोलाइड करने लग जाए तो उसकी वजह से क्या होएगा ये इजिली पास नहीं होने देंगे करंट को दैट मीन इस करंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करें तो वो इलेक्ट्रो करंट को इजीली फ्लो होने नहीं देते हैं इस इसीलिए हम कहते हैं कि इस इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है ठीक है तो रेजिस्टेंस क्या है इट इज दी ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट अगर करंट फ्लो कर रहा है उसके बीच में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आई उसको मैं बोलूंगी कि यह रेजिस्टेंस है ऐसे ही जैसे मैंने ओम्स लॉ से किया कि V इज इक्वल्स टू आई आर तो ये जो आर का मैंने लगाया, ये कुछ और नहीं रेजिस्टेंस ही होता है, है? अगर कैलकुलेट करना चाहूं वी अपॉन आई है ना तो अगर मैंने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो इसको मैं कैलकुलेट करती हूं ओम में क्योंकि आपको पता है कि ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि वी इज इक्वल्स टू आई आर तो उन्हीं के नाम पे रेजिस्टेंस की यूनिट को रख दिया ठीक है तो अगर मैंने वन ओम को कैलकुलेट करना है या उसको डिफाइन करना है तो मैं ये बोल सकती हूं कि एक वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर मैंने वो अप्लाई किया जिसकी वजह से एक एम्पेयर करंट फ्लो हुआ ठीक है मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर मैंने एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जिसकी वजह से एक एम्पेयर करंट फ्लो हुआ उसको मैं कहती हूं वन ओम ठीक है यहां पे मैंने सिम्बोलिकली दिखा दिया कि मान लो ये आपका करंट जा रहा था और यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी ठीक है तो दिस इज नथिंग नथिंग दिस इज बट रेजिस्टेंस ठीक है ओके अब जो रेजिस्टेंस है वो किसी ना किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल ये एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम कर दूं, तो यहां से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे एज कंपेयर टू दिस जिसमें से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे ठीक है मैंने बोला कि ए के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे और बी के अंदर से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे दैट मीन्स रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है बी वाले का तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के मतलब जितना ज्यादा एरिया जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस ठीक है और बी के केस में जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ठीक है तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ वायर की तो जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यहां से मूव करना पड़ेगा और उतने ज्यादा चांसेस हैं कि ये एक दूसरे से कोलाइड करें इसीलिए जितनी ज्यादा लेंथ होती है उतना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होता है दैट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर यहां आप देख सकते हो तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कोर्स जो भी आपने वायर यूज करी है वो वायर कॉपर की है एल्युमिनियम की है या वो एक कोई फाइबर है या कोई एक कपड़ा है मतलब वो डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का नेचर क्या है क्या वो अपने थ्रू करंट को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को पास होने दे रहा है अगर तो वो कंडक्टर है तो मैं बोलती हूँ कि इसका कम रेजिस्टेंस है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स ठीक है तो ये नेचर ऑफ वायर पर डिपेंड कर रहा है लास्ट है आपका टेम्परेचर जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उसकी वजह से जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ज्यादा कोलाइड करेंगे क्यों क्योंकि जितना ज्यादा आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया उन पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना वो ज्यादा एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और जितना ज्यादा कोलाइड करेंगे तो इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाएगा इसीलिए उनका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है तो दैट मीन्स टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है तो अगर यहां से मैं इन सारी चीजों को कंबाइन करना चाहूं तो मैं क्या ये कह सकती हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगी तो मैं यहां पे एक कॉन्स्टेंट यूज करती हूं जिसको मैं बोलती हूं रेजिस्टिविटी जिसको मैंने क्या बोला रेजिस्टिविटी ठीक है तो यहां पे आ जाएगा R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया अब रेजिस्टिविटी क्या है रेजिस्टिविटी होता है कि उस वायर का क्या नेचर है ठीक है अगर वो वायर कॉपर की है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होने देगी अगर वो एल्यूमिनियम की है तो उस हिसाब से उसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे ठीक है तो ये आपकी होती है रेजिस्टिविटी तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की कि अपने थ्रू वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को पास होने दे रहा है ठीक है अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो मुझे पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो एल बास तो टू तो रो ठीक है ऐसे ही अगर मैं इसकी यूनिट देखना चाहूं तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि इसकी जो यूनिट है वो होगी ओम मीटर ओम मीटर कैसे रेजिस्टेंस को हम ओम्स में मेजर करते हैं ठीक है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं और एरिया को हम मीटर स्क्वेयर में मेजर करते हैं और एक मीटर नीचे है तो ये एक दूसरे से एक कट जाएगा तो सिर्फ रह जाएगा ओम मीटर तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टिविटी है उसकी क्या यूनिट्स uh, होती हैं ठीक है यहां पे मैंने आपको कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड किए हुए हैं जैसे जो कॉपर है उसकी रेजिस्टिविटी होती है 1.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन रेज टू पार माइनस एट ठीक है कॉपर से ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है एल्यूमिनियम की आपको पता होना चाहिए कि जितना यहाँ पे माइनस इंक्रीज होता जाएगा ठीक है उतनी ज्यादा जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि जैसे जैसे हम नेगेटिव नंबर्स में मूव करते हैं उतनी ज्यादा चीजें कम होती रहती हैं ऐसे ही जो ग्रेफाइट है उसकी रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है क्योंकि ये हो गया एट एट पॉइंट टू पार माइनस सिक्स तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो ओके okay. नेक्स्ट है आपका जो भी नेक्स्ट है आपका रिजिस्टर्स ठीक है अगर किसी भी सर्किट के अंदर ठीक है मान लो ये एक सर्किट है इस सर्किट के अंदर मैंने रेजिस्टर लगाना है जो रेजिस्टर होएगा वो क्या करेगा क्या काम होएगा उसका उसका काम होएगा कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करना तो इसको मैं अगर साइन लैंग्वेज से देखूं तो मैं रेजिस्टर को हमेशा ऐसे डिनोट करती हूं ठीक है तो मैंने यहां पे एक रजिस्टर लगा दिया तो जो रजिस्टर है वो सीरीज में भी लग सकता है और वो पैरल में भी लग सकता है अगर मैं सीरीज की बात करूं तो, तो दैट मीन्स मैंने एक ही वायर से आर कनेक्ट कर दिया रेजिस्टर वन कनेक्ट कर दिया और उसी वायर में रेजिस्टर टू लगा दिया उसी वायर में रेजिस्टर लगा दिया और उसी वायर में रेजिस्टर लगा दिया जैसे ही मैं अलग अलग रेजिस्टर लगाती हूँ तो मान लो यहां से कुछ करंट आ रहा था मान लो सिक्स एम्पेयर करंट आ रहा था तो जैसे ही मैंने ये रजिस्टर लगाया तो ये वाला रजिस्टर इस करंट को जाने से रोकेगा तो मान लो इसने एक एम्पेयर करंट को जाने नहीं दिया ठीक है तो इसीलिए यहां पे यहां पर जो करंट पहुंचा वो पहुंचा फाइव एम्पेयर फिर दोबारा से ये एक रेजिस्टर आ गया इसने फिर एक एम्पेयर करंट को रोक लिया तो यहाँ पे दोबारा से कितना करंट रह गया फोर एम्पेयर ठीक है ऐसे कर करके हर एक रेजिस्टर कुछ ना कुछ करंट को जाने से ऑब्स्ट्रक्ट करेगा क्योंकि उसने करंट को जाने से ऑब्स्ट्रक्ट किया आई को ऑब्स्ट्रक्ट किया और हमें पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस तो इसीलिए हर एक रेजिस्टर के आसपास कुछ ना कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए आपने ये याद रखना है कि जब भी हम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है ठीक है ऐसे ही अगर मैं रेजिस्टर को पैरेलल कनेक्शन दूं पैरेलल कनेक्शन मतलब एक वायर यहां से आ रही है ठीक है और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां से मैंने एक रेजिस्टर यहां जोड़ दिया एक रेजिस्टर मैंने यहां जोड़ दिया एक रेजिस्टर मैंने यहां जोड़ दिया मतलब अलग अलग वायर्स क्रिएट कर दी जिसके अंदर अलग अलग रेजिस्टर्स लगा दिए तो जो करंट यहां पे सिक्स एम्पेयर आ रहा है सिक्स एम्पेयर यहां भी जाएगा यहां भी जाएगा यहां भी जाएगा और यहां पे भी जाएगा इसका मतलब तो जब भी जो रेजिस्टर्स है वो पैरेलल कनेक्शन में लगते हैं तो उनके आसपास सिर्फ एक ही टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो दैट मींस हर एक रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग नहीं होगा तो जब भी रेजिस्टर पैरेलल में लगेंगे तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा ठीक है आपने बस इतनी चीज याद रखनी है जब सीरीज में रेजिस्टर को लगाते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है और जब हम इसको पैरेलल में लगाते हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और अगर मैं इन दोनों रेजिस्टर का नेट रेजिस्टेंस ऐड करना चाहूं तो अगर सीरीज में लगे हैं तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो होगा r1 r2 ठीक है और अगर वही रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन में लगे हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू ठीक है बस इतनी सी चीज आपने याद रखनी नेक्स्ट है आपका रियो स्टार्ट. देखो जो रियो होता है उसको ये एक ऐसा सा डिवाइस होता है और उसका जो सिंबल होता है वो ये होता है मतलब एक मैंने रेजिस्टर का सिंबल बनाया और उसके ऊपर मैंने एक एरो बना दी ठीक है इसका मतलब ये है कि मैं रेजिस्टेंस को चेंज कर सकती हूँ अगर मैंने रेजिस्टेंस को चेंज किया और उसके करंट में भी चेंज आ गया बिना उसके वोल्टेज चेंज हुए दैट मीन्स मैंने रेजिस्टेंस को चेंज किया और उसका करंट भी चेंज हो गया ठीक है और वोल्टेज में कोई असर नहीं आया तो ऐसे डिवाइस को हम रियोस्टार्ट कहते हैं ठीक है दूसरा है गेलवेनोमीटर गेलवेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बिल्कुल बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर सकता है ठीक है मैंने बताया ना कि जो एमीटर होता है एमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है है ना लेकिन अगर वही करंट बहुत ज्यादा कम हो और एमीटर से मेजर नहीं हो रहा हो तो वहां पर मैं गलवेनोमीटर यूज कर सकती हूँ ठीक है ओके नेक्स्ट है आपका जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनके मूव होने की वजह से उनके मूव होने की वजह से वो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करते हैं ठीक है मतलब जो जब भी करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है तो इसको हम कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको हम एच से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्र आर टी आई का मतलब यहां पे करंट है आर का मतलब यहां पे रेजिस्टेंस है ठीक है और टी का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर है दैट मीन्स जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है करंट पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ठीक है जिसका जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा दैट मीन्स उसका जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो उतना ज्यादा होगा और जिसका जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा दैट मीन्स वो जो भी मटीरियल है वो बहुत जल्दी बर्न नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है ठीक है तो यहां से आप देख सकते हो कि ज्यादा करंट प्रोड्यूस करने की वजह से ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है तो इसीलिए हम जो नाइक्रोम वायर्स है ना जितने भी हीटिंग डिवाइस है आपका जैसे टोस्टर वगैरह हो गया है ना आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक आयरन हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया टोस्टर हो गया इलेक्ट्रिक हीटर हो गया तो इसमें जब भी करंट फ्लू जब तो इसमें जब भी करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो इस हिसाब से यूज किया जाता है ताकि वो मेल्ट ना कर जाए ठीक है इतनी ज्यादा हीट होने की वजह से वो मेल्ट ना कर जाए ओके नेक्स्ट है आपका पावर पावर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पावर होता है कि हमने कितना काम किया और कितने टाइम में लेकिन यहां पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की जो आपकी इलेक्ट्रिक पावर होती है उसको मैं डिनोट कर सकती हूं वोल्टेज इनटू करंट से ठीक है कितना हमने करंट अप्लाई किया

ठीक है ऐसे ही मैं पावर को वोल्टेज और करंट की वे में भी ले सकती हूँ वोल्टेज और रेजिस्टेंस के वे में भी ले सकती हूं और करंट और रेजिस्टेंस के वे में भी मैं इसको मेजर कर सकती हूँ आपने लर्न क्या करना है आपने ये लर्न करना है कि एक हॉर्स पावर के अंदर 746 फोर्टी सिक्स होते हैं ये आपके पेपर में भी पूछा गया एज इट इज आपको ये लर्न करना पड़ेगा ओके okay. नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसी छोटी सी वायर होती है शॉर्ट पीस ऑफ वायर होती है जो एक सर्किट के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं मान लो ये आपकी बैटरी है ये आपका स्विच है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो ये आपका रजिस्टर है रजिस्टर को हम लोड भी कह रहे हैं लोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये करंट को इजिली पास नहीं होने देगा ठीक है इसीलिए ये लोड क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज लगा दी दैट इज फ्यूज एक छोटी सी वायर लगा दी ठीक है जैसे ही इस वायर में करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से करंट अपना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की वजह से ये जो फ्यूज वायर है इस ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी जब ये जल्दी मेल्ट हो गई तो मेल्ट होने की वजह से ये कनेक्शन टूट जाएगा और उसी टाइम पे ये जो सर्किट है वो ओपन सर्किट बन जाएगा मतलब ये कनेक्शन टूट गया है और तभी करंट फ्लो होना रुक जाएगा मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो ऐसी चीज को प्रोटेक्ट करता है किसी सर्किट को प्रोटेक्ट करता है जिसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से बहुत हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग ना हो जाए इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज को कनेक्ट करते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इंटरप्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को ये एक शॉर्ट पीस ऑफ वायर है इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब अगर थोड़ी सी भी हीट इंक्रीज हुई तो ये फटाफट से मेल्ट कर जाएगा ठीक है और सर्किट से हट के ये कनेक्शन को तोड़ देगा ठीक है ओके okay. तो ये किस कंडीशन पे वर्क करता है एक ओवरलोडिंग की कंडीशन पे मतलब जब करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाता है या फिर शॉर्ट सर्किटिंग करने के लिए जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो उस टाइम पे ये फटाफट मेल्ट होके क्या कर देगा वहां पर शॉर्ट सर्किटिंग कर देगा और आपका कनेक्शन टूट जाएगा जिसकी वजह से जो सारे सर्किट है वो बर्न नहीं होंगे तो दैट मीन्स ये बर्न होने से बचाता है नेक्स्ट बात करते हैं कि डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस होता है मान लो ये एक बैटरी थी ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल था ये नेगेटिव टर्मिनल था हमें पता है कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ठीक है अगर आपका करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ही मूव करे हमेशा मतलब कभी भी उसने नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं गया वो वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जा रहा है तो ऐसे करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं ठीक है तो वो हमेशा वन डायरेक्शन में ही फ्लो करते हैं ठीक है क्योंकि वो वन डायरेक्शन में फ्लो करे इसीलिए जो भी वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड होगी वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगी तो जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया जो आपके टीवीज वगैरह है वो डायरेक्ट करंट लेते हैं नेक्स्ट है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है ऐसा करंट जो हर एक साइकिल के बाद खुद को ऑल्टरनेट कर रहा है मतलब पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा था जब एक साइकिल इसका कंप्लीट हुआ फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जाने लग गया ठीक है तो यहां पे हमने कोई ऐसी चीज लगा दी जिसकी वजह से इस फ्लो ऑफ करंट को बार बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ठीक है तो इट पीरियोडिकली रिवर्सिज डायरेक्शन एंड चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड तो जो भी आपके इनवर्टर वगैरह होते हैं वो सारे इन्वर्टर जो आपका डायरेक्ट करंट है उसको ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करते हैं इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आपके लाइट जाती है घर में तो उस टाइम पे जो आपका टीवी का कनेक्शन है वो सबसे पहले बंद हो जाता है है ना क्योंकि आपका जो इन्वर्टर है क्योंकि जो आपका टीवी है वो डायरेक्ट करंट पे चल रहा है और इन्वर्टर डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट पे कन्वर्ट uh, कर रहा है तो जितने भी अप्लायसेज ऑल्टरनेटिंग करंट यूज कर सकते हैं वो सारे जलते रहेंगे लेकिन जो डायरेक्ट करंट यूज करते हैं वो बंद हो जाएंगे ठीक है ऑल्टरनेटिंग करंट क्योंकि बहुत ज्यादा चीपर होता है मतलब सस्ता होता है जनरेट करना और इसमें एनर्जी लॉसेस भी बहुत कम होते हैं इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करें घरों में ठीक है जैसे इन्वर्टर्स वगैरह में ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट है आपका रेक्टिफायर रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है फॉर एग्जांपल आपके इन्वर्टर ने अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट करंट को ठीक है ये आपका इन्वर्टर है उसने क्या किया डायरेक्ट करंट को

दूसरे सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो यहां पे मेरे पास क्या जुड़ा होगा ट्रांसफॉर्मर तो ये हम कब यूज करते हैं ये हम तब यूज करते हैं जब हमें वोल्टेज या तो ज्यादा करनी हो या फिर वोल्टेज हमें कम करनी हो मतलब स्टेप अप करनी हो वोल्टेज को या फिर स्टेप डाउन करनी हो ठीक है तो आपने बस इतना याद रखना है कि जो इन्वर्टर है वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफर करता है और जो आपका रेक्टिफायर है वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में ट्रांसफर करता है ठीक है आपका और जो ट्रांसफॉर्मर है वो अल्टरनेटिंग करंट को ही अल्टरनेटिंग करंट दूसरे में ट्रांसफर करता है ठीक है ताकि वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सके नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था तो उसकी वजह से एक तो आपका प्रोड्यूस हुआ हीटिंग इफेक्ट है ना और दूसरा जो आपका प्रोड्यूस हुआ वो हुआ इलेक्ट्रिक इफेक्ट मान लो ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर है ठीक है जब ये करंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी उस टाइम पे हमने देखा कि इसके आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कंसेंट्रिक सर्कल्स में कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है कि उन सारे सर्कल्स का एक सेंटर होना ठीक है तो अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा और उस करंट फ्लो होने की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाउ व्हाट इज मैग्नेट तो मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपने आसपास कई चीजों को अट्रैक्ट करता है और वो चीज किस चीज की होनी चाहिए वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को पास होने दे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैग्नेट ठीक है ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है और यहां पे मैंने वुड रख दिया ठीक है वुड रख दिया मुझे पता है कि जो वुड है वो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं होता मतलब इसकी वुड के अंदर जितने भी इसके एटम्स हैं अगर मैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो ये एटम्स अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे ठीक है तो इसीलिए वुड के अंदर कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता ठीक है अगर मैं इस वुड को इस मैग्नेट के पास लेके आऊंगी क्योंकि इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो इसीलिए ये वुड अट्रैक्ट नहीं होगी लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं किसी आयरन पीस को लेके आऊं और वो आयरन पीस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है ठीक है क्यों होता है क्योंकि इसके जो अंदर एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड को वो सह सकते हैं मतलब इसका इफेक्ट वो देख सकते हैं इसीलिए ये जो आयरन है वो इस मैग्नेट के टूवर्ड क्या होगी अट्रैक्ट होगी ठीक है तो मैग्नेट एक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कंडक्टिंग चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अब मैग्नेट्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे एक बार मैग्नेट हो गया ठीक है वो एक बार की बार की तरह होती है जिसमें जो नॉर्थ पोल होता है वो एक तरफ होता है और जो साउथ पोल होता है वो एक तरफ होता है ठीक है एक दूसरे से उनका जो एयर गैप है वो बहुत ज्यादा होता है एयर गैप मतलब ये जो गैप है इसके आसपास वो बहुत ज्यादा होता है दूसरी तरफ अगर मैं हॉर्सू मैग्नेट की बात करूं तो जो हॉर्शू मैग्नेट होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है यू शेप्ड होता है एक तरफ उसकी नॉर्थ पोल होती है दूसरी तरफ उसकी साउथ पोल होती है और उनके बीच का जो एयर गैप है वो बहुत ज्यादा कम होता है इस वजह से हॉर्शु मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बता दी क्या होती है अगर करंट जा रहा है उसकी वजह से जो आसपास फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही हैं जहां पे उसका इफेक्ट को हम सह सकते हैं या सहन कर सकते हैं या फिर उस इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ठीक है इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम अभी आगे कवर करेंगे लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेट जो आपके मैग्नेट होते हैं उनके कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं ठीक है मान लो ये आपकी अर्थ है आपको पता है अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है वो यहां पे होता है और साउथ पोल जो होता है वो यहां पे होता है लेकिन हमें ये भी पता है कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है वो यहां पर होता है और जो आपका मैग्नेटिक साउथ पोल होता है वो यहां पर होता है ठीक है अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो हमेशा वो जो मैग्नेट है वो नॉर्थ टू साउथ के वे में सस्पेंड हो जाएगी अपने आप को नॉर्थ टू साउथ में अलाइन कर लेगी क्यों क्योंकि हमें पता है जो मैग्नेटिक साउथ है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है और जो मैग्नेटिक साउथ है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है ठीक है तो वो हमेशा इस वे में फ्रीली सस्पेंड हो जाएगी तो आपको एक लाइन में पूछ लिया जाएगा तो बताओ कि अगर मैं मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूं तो वो किस डायरेक्शन में खुद को अलाइन करेगी तो आपने बोलना है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठीक है दूसरी बात जो भी लाइक like पोल्स हैं जैसे मैंने लाइक like चार्जेस की बात करी ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से रिपेल करते हैं नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से रिपेल करते हैं ऐसे ही अगर मैं एक मैग्नेट के नजदीक नॉर्थ पोल के पास मैं नॉर्थ पोल ले जाऊं तो ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे ठीक है दैट मीनस लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल इच अदर ठीक है अगर मैं इस नॉर्थ पोल के नजदीक साउथ पोल ले आऊं दैट मीन्स मैंने क्या किया अनलाइक पोल्स एक दूसरे के नजदीक लेके आई तो अनलाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ठीक है ओके okay. ये मैंने बता दिया कि जो मैग्नेट है वो डाइपोल की तरह एग्जिस्ट करती है और जो दो आपके पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं थ्रू अ एयर गैप ठीक है बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बता दी कि इस मैग्नेट के आसपास या तो फ्लोइंग करंट या फिर कोई मैग्नेट उसके आसपास जो उसकी फील्ड लाइंस हैं जिनका हम इफेक्ट फील कर सकते हैं उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही एक करंट फ्लोइंग कंडक्टर है जिसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं फील कर सकती हूँ फॉर एग्जांपल मैंने एक आयरन नेल ले आई मैं और ये आयरन नेल इस कंडक्टर के टूवर्ड्स क्या होगी अट्रैक्ट होगी दैट मींस इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैंने फील किया है ठीक है तो उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो दैट इज ऑल फॉर टूडे तो थैंक यू सो मच आई होप आपको समझ आया होगा बाय बाय टेक केयर